देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू मिश्रा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से। कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर कसा तंबू, भाजपा पर नहीं है भरोसा। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में ठीक स्ट्रांग रूम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना ये तंबू कस दिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री सतीश रावत ये पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा EVM मशीनों को बदल सकती है और भाजपा की ये मंत्रा पूर्ण न हो सके इसके लिए उन्होंने एहतियातन शनिवार शाम से अपने कार्यकर्ताओं को 24 घंटे के लिए यहाँ नियुक्त कर दिया है। बारी बारी से दो कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के पास ही निगरानी को बैठे हैं और हलचल पर नज़र रखे हुए हैं। साथ ही ये कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के अंदर रखी EVM मशीनों की CCTV फुटेज भी समय समय पर देखकर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समीर आनंद की रिपोर्ट। लगातार आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि जो EVM मशीन यहाँ रखी गई है उसमें गड़बड़ी के आसार लगते हैं आपको यहाँ पे? जी, गड़बड़ी के आसार हैं, इसीलिए हमको यहाँ रखा गया है। अच्छा, कितने दिन हो गए आज आप लोग को यहाँ पे? हम लोगों को हो गए आज 5 दिन। अच्छा, तो और क्या कहना चाहेंगे? जैसे हरीश रावत जी ने साफ तौर पर कहा था कि EVM मशीन में गड़बड़ी हुई है, इसलिए हम लोग अपने लोगों को यहाँ पर बैठाएंगे। वहीं आज आप लोग को 4 दिन हो गए बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? हम इसलिए कहना है, इसमें हम कहना चाहते हैं ना, उनको BJP को अपनी हार का पूरा है, डर लग रहा है, तो हम ये लालकुआ विधानसभा की तरफ से, राउत जी की तरफ से हम यहाँ पर बैठे हैं कि EVM मशीन में गड़बड़ी ना हो। आपका नाम? संतोष रावत। 4 दिन हो गए आपको लगातार बैठे हुए, क्या ये आम चुनाव जो 2022 का है इसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण बना रहे हमारे चुनाव अभियान जो है उसकी काउंटिंग तक हम निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं और जैसा कि मैं लालकुआ विधानसभा से स्वयं हूँ, मेरे साथी हैं विधानसभा से चौहान जी हैं और इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो सभी लोगों ने अपने अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं और इसी प्रकार 3 लेवलों की जो सुरक्षा व्यवस्था है MBPG के प्रांगण में, कंट्रोल रूम में, वो चाक चौबंद बनी रहे। उनके साथ ही हम भी निगरानी कर रहे हैं यहाँ पर तमाम जो गतिविधियाँ हो गई हैं, तमाम अनुवांशिक तत्व लोग यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए हम जो मेन हाईवे से है, मेन गेट से है और कंट्रोल रूम के पीछे की तरफ है, इन तरफ हम निगरानी कर रहे हैं। 24/7 यहाँ पर उपस्थित हैं और पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टेंट लगा हुआ है, टेंट में रह के हम सामने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। आपका